गुरु नानक पता है, अच्छा इस गलती साड़ी लड़ाई होगी, फिर इस गलती तो फिर आ होगा। बट ऑनेस्टली मैं दसा साड़ी कदे भी क्रिएटिव चीजों नु लेके कदे लड़ाई नहीं हुई। ते सरगुन दे नाल थोड़ी एनर्जी मैच हुई है। जे सरगुन थोनू कितने लैके गई है बाहर, ते शी इंसिस्ट ऑन पेइंग द बिल, ते वो हमेशा वही बिल पे कर दिया है ना। की एक फिल्म बिना प्रमोशन दे चल सकती है, लोगों को पसंद आ सकती है? मैं ऑनेस्टली इंटेलेक्चुअली दसा तो जी शायद इहदा आंसर किसी नू नहीं पता। कलीजोटा हुण हिट हुई है, जी ते जिवें कलीजोटा ने नंबर्स बॉक्स ऑफिस ते कीते आ, जे ओटीटी ते जांदी इहने नहीं करनी सी उहने नंबर्स। डायरेक्टर्स दी एक पर्टिकुलर चॉइस ऑफ एक्टर्स हुंदी है कि वो रिपीट करते रहते हैं बार बार। आई फील के एक कंफर्ट लेवल बन जाता चीजा नू लैके। बट ऑनेस्टली गुरनाम नाल जिहड़े बैक टू बैक मेरे प्रोजेक्ट्स होए, ओहदा रीजन अगेन मे बी इट्स फ्रेंडशिप। बट जिवें मैं सुरखी बिंदी लिख रहा सीगा, वो लिखी जी सीगी, शूट शुरू होया ते मैनू संतोष थीटे जो प्रोड्यूसर भी ने ते डायरेक्टर भी ने, सो उन्होंने मैंने नेक्स्ट डे ही कोका ऑफर की थी जिसे ऑलरेडी गुरनाम सी। सो हाँ आई डिडंट अच्छा नो गुरनाम एट दैट टाइम, मतलब दोस्ती बात हुई, सो ही ऑफर्ड मी कोका। सो वो बहुत पहले ही होगी सी डन डील। एंड ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ सुरखी बिंदी गुरनाम वाज जनरली चैटिंग विद मी, ही इज लाइक व्हाट डू यू वांट टू डू नेक्स्ट। सो मैं उन्हें कहा आई वांट टू डायरेक्ट अ फिल्म। सो अच्छा ही सेड नरेट, टेल मी व्हाट व्हाट इट इज। सो आई सेड या आई विल टेल यू बट मे बी। सो इट्स लाइक दिल चो लग गया कि मैंने क्यों इन्हें रिजेक्ट किया, बट मैं ये चाह रहा सीगा कि हुण उहदा फोकस सुरखी बिंदी दे उत्ते है ना, यू नो आई डिडंट वांट टू डिस्ट्रैक्ट हिम। एंड ऑल्सो आई एम लिटिल प्रोटेक्टिव अबाउट माय पर्सनल स्टोरीज, और मैं हर किसी को इतनी चेती, लाइक व्हेन आई डोंट हैव अ प्रोड्यूसर ऑन बोर्ड एंड आई जस्ट कांट साइन एन एक्टर, आई डोंट जनरली रिवील माय स्टोरीज। सो मैनू थोड़ा जिहा होंदा कि एक बेस होवे मेरे कोले। सो देन व्हेन वंस आई हैड अ प्रोड्यूसर, सो आई नरेटेड इट टू हिम एंड ही जस्ट जंप्ड ऑन द अपॉर्चुनिटी एंड ही सेड दैट आई विल प्रोड्यूस इट। सो दैट्स हाउ व्यानी करोना हैपेंड। सो आफ्टर एंड व्यानी करोना इतना डिले होगी बिकॉज़ ऑफ कोविड एंड यू नो थिंग्स लाइक दैट, तो असी वो हले शूट कर ही रहे सी विच चीजां पईयां सी ओदियां। सो लॉकडाउन ते लॉकडाउन हो रहा सी एंड मैं भी बहुत इंपेशेंट हो रहा सीगा, गुरनाम भी इंपेशेंट हो रहा सी। एंड एट दैट टाइम सरगुन कॉन्टेक्टेड मी फॉर समथिंग। अच्छा सो एंड वी वर जस्ट प्लानिंग थिंग्स एंड देन गुरनाम हैपन टू बी ऑन द प्रोजेक्ट, ते ओ हाँ जस्ट लाइक इट जस्ट हैपन दैट देर वर प्रोजेक्ट्स हैपनिंग बैक टू बैक विद गुरनाम। इट हाँ वॉज लाइक यूनिवर्स कंस्पायरिंग रादर देन साडी दोनों की अंडरस्टैंडिंग। आई थिंक आफ्टर दिस फिल्म इफ वील डू अ प्रोजेक्ट टूगेदर दैट वुड बी अ कॉन्शियस चॉइस कि या वी वॉन्ट टू वर्क विद ईच अदर। हाले तक तो इट जस्ट रब ने कराया। जी, पर रुपिंदर एक थिन लाइन हुंदी है, गुरनाम एज एन एक्टर प्रोड्यूसर है, म्यूजिक भी कर रहा है, थोड़े नाल मतलब अंडरस्टैंडिंग है, दोस्ती भी है ना, एक खूबसूरत जा रिश्ता भी है, पर जो तो एक प्रोफेशनलिज्म च और एक दोस्ती च हल्की जी जड़ी लाइन है, थोनू लगदा है तुसी दोनों जने नु मेंटेन रखदे हो? जदों सेट ते हुन्ने हो तुसी बिल्कुल प्रोफेशनल हैगे हो, जदों तुसी बाहर किते मिलदे हो तुसी दोस्त हैगे हो, वो किद्दां रखदे हो? हुण वो बैलेंस अपने आप ही आ गया कि उहनू गुरनाम पता है, अच्छा इस गल ते साडी लड़ाई होगी, फिर इस गल ते असीं करांगे ते फिर आ होगा। बट ऑनेस्टली मैं दसां साडी कदे भी क्रिएटिव चीजां नू लैके कदे लड़ाई नहीं हुई ना। उहने कदे मैनू क्वेश्चन किया कि आ तुहाडा विजन आ, ते ना मैं उहनू कदे क्वेश्चन किया अबाउट कि आ म्यूजिक नू इदां करना सी, लिरिक्स नू। उस चीज च असीं काफी ब्लेस्ड हाँ कि साड़ी कदे क्रिएटिवली लड़ाइयां नहीं हुई हैं, साड़ा कदे भी क्रिएटिव डिफरेंसेस नहीं आया, टच वुड, लाइक आई आई डोंट वांट टू जिंक्स इट। बट जी 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 ए चीज है कि ए असीं बाकी साड़ा मतलब किसे ओ बजट नु लेके हो गया या किसे होर चीज नु लेके हो गया, उस ओ हो गई है, बट कदे साड़े क्रिएटिव डिफरेंसेस कदे नहीं आए। तो वो जी शायद असीं जिन्ना मर्जी लड़ लिए जो मर्जी हो जाए, बट वी आर लाइक वी बिलीव इन ईच अदर्स टैलेंट कि ऐसी वो क्वेश्चन नहीं कर। ते सरगुन दे नाल थोड़ी एनर्जी मैच हुई है? सुरखी बिंदी ते ही साडा काफी वो क्या सीगा बॉन्ड एक बन गया सीगा,
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਰਗੁਣ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦਿਲਦਾਰ ਹੈ, ਲਾਈਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਦਾ ਉਹਦਾ, ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਅ ਬਿਗ ਟੇਬਲ, ਲਾਈਕ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਵਸ ਫੀਡਿੰਗ ਪੀਪਲ, ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕੁਆਲਿਟੀ ਉਹਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਕ੍ਰੋਸ ਐਵਰੀਬਡੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਰਗੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹੈ ਬਾਹਰ, ਤੇ ਸ਼ੀ ਇਨਸਿਸਟ ਔਨ ਪੇਇੰਗ ਦ ਬਿਲ, ਤੇ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹੀ ਬਿੱਲ ਪੇ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਉਹ ਔਰ ਉਹ ਇਨਸਿਸਟ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰਗੁਣ ਨੇ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਣਾ ਯਾਰ, ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਰਡਰ ਕਰਨਾ। ਬਟ ਇਹ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ, ਰਵੀ ਭਾਜੀ ਤੇ ਸਰਗੁਣ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਆਲਿਟੀ ਐਂਡ ਦੇ ਲਵ ਗੋਇੰਗ ਆਊਟ ਐਂਡ ਦੈਨ ਦੇ ਲਵ ਸਪੈਂਡਿੰਗ ਔਨ ਪੀਪਲ ਐਂਡ ਦੇ ਲਵ ਫੀਡਿੰਗ ਪੀਪਲ। ਪਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਜਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨਸ ਤੇ ਵੀ ਖਰਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕੀ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰੋਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਚੱਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੱਖਰੀ ਵੱਖਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਲਜਸ ਜਾ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਵੇਖੋ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਇੰਟੈਲੈਕਚੁਅਲੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ ਜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਆਂਸਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਪੁਸ਼ਪਾ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਕੋਈ ਦੱਸ, ਮੈਨੂੰ ਓਨੈਸਟਲੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਐਕਚੁਅਲੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਬਟ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਹਿੰਦੀ ਡਬ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਿੱਟ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਡੀਲ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਉਨੇ ਪੈਸੇ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ ਜਿੰਨੇ ਕਮਾ ਗਈ ਘੁਮਾ ਫਿਲਮ। ਗਏ ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਈ ਫੀਲ ਕਿ ਘਰ ਘਰ ਸਭ ਨੇ ਸਾਊਥ ਇੰਡੀਅਨ ਡਬ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇਖੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਨੋਰਮਲੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਘਰ 'ਚ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਆਡੀਅੰਸ ਸੀਗੀ, ਤੇ ਅੱਲੂ ਅਰਜੁਨ ਇੱਕ ਫੇਸ ਸੀਗਾ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ। ਜੀ ਸੋ ਜਦੋਂ ਫਿਲਮ ਆਈ ਔਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਦੇਖੀ ਤਾਂ ਵਰਡ ਆਫ ਮਾਉਥ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫੈਲ ਗਈ। ਸੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਡ ਆਫ ਮਾਉਥ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਤੇ ਬਟ ਵਰਡ ਆਫ ਮਾਉਥ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸਕਰੀਨਸ ਵੀ ਰਿਟੇਨ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਫਿਲਮ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵਰਡ ਆਫ ਮਾਉਥ ਵੀ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬਟ ਨੈਕਸਟ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮ ਫਿਰ OTT ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨਗੇ, ਉਹ ਫਿਰ ਥੀਏਟਰਸ 'ਚ ਦੇਖਣਗੇ। ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਫਿਲਮ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਓਪਨਿੰਗ ਲੱਗ ਗਈ, ਉਹ ਇੱਕ ਠੱਪਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਥੀਏਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕਰੀਨਸ ਦੇਗਾ ਹੀ ਦੇਗਾ ਨੈਕਸਟ ਅੱਛਾ ਫ੍ਰਾਈਡੇ। ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਕਰੀਨਸ ਰਿਟੇਨ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਲਈ। ਉਹ ਇੱਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਜੇ ਕੁਛ ਮੈਗਨੈਨਿਮਸ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ 100% ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹੌਲੀ 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 ਘਟਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਫਿਲਮ ਮੋਸਟਲੀ ਫਿਲਮ ਕਦੇ ਵੀ ਮਤਲਬ 4 ਹਫਤੇ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਪਰ ਰੁਪਿੰਦਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬੈਟਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ OTT ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰ ਦੋ? ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇਖੇਗੀ, ਜੋ ਜਿੱਥੇ ਬੈਠਾ ਹੈ ਦੇਖੇਗੀ। ਨਹੀਂ ਬਟ ਇੱਕ ਇੱਕ ਤਾਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਸਭ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਥੀਏਟ੍ਰੀਕਲ ਮਤਲਬ ਫਿਲਮ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਕੋਈ ਕਵੇ ਕਿ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਧੀ OTT ਤੇ ਦੇ ਦਿਓ, OTT ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਮੇਰੇ ਸੁਪਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਉਹ ਵੱਡੀ ਸਕਰੀਨ ਲਈ ਆ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਆ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖਣ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਜੇ ਫਿਲਮ ਕਲਿੱਕ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੇ ਰਿਟਰਨਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਏਟ੍ਰੀਕਲ ਜਾਂ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਦਿੰਦਾ, ਹਲੇ OTT ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ OTT ਤੇ ਉਹ ਫਿਲਮਾਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਕਲੀਜੋਟਾ ਹੁਣ ਹਿੱਟ ਹੋਈ ਆ, ਜੀ ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਕਲੀਜੋਟਾ ਨੇ ਨੰਬਰਸ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਤੇ ਕੀਤੇ ਆ, ਜੇ OTT ਤੇ ਜਾਂਦੀ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨੰਬਰਸ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਈਜ਼ ਡਿਸੀਜਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸੱਚੀ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਤੱਕ ਆਈ। ਸੋ ਐਂਡ ਇਟਸ ਗੁੱਡ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਚ ਉਹਨਾਂ ਮਨੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਰ ਫਿਲਮਾਂ ਬਣ। ਰਾਈਟ ਸੋ ਸੋ ਇਹ ਮੈਂ ਤਾਂ ਹਲੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹੀ ਕਰੂੰਗਾ ਕਿ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਸ ਟਰਾਈ ਕਰਨ ਕਿ ਬਾਕਸ ਆਫਿਸ ਆਪਣਾ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਕਿ ਜੇ ਮਤਲਬ ਕਲੀਜੋਟਾ ਨੇ ਇੱਕ ਬੈਂਚਮਾਰਕ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ, ਜੀ ਤੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਲਮਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਲੈ ਕੇ ਆਊਗਾ ਕਿ ਲੈਟਸ ਟੈਲ ਦੀਜ਼ ਸਟੋਰੀਜ਼। ਜੇ ਜੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਮੋਸਟਲੀ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੋਕ ਬੈਕਿੰਗ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਬਟ ਹਾਂ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਯਾ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਆਡੀਅੰਸ ਹੈ ਐਂਡ ਹਾਂ ਆਡੀਅੰਸ ਸੱਚੀ ਔਰ ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਬਜੈਕਟਸ, ਯਾ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਸਬਜੈਕਟਸ ਬਣਨਗੇ। ਤੇ ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨਾ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਇੰਡਸਟਰੀ 'ਚ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ OTT ਤੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰਨ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਇੰਨਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਰੁਪਿੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਸ ਐਕਟਰਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਰ ਹਫਤੇ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਫਿਲਮ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ, ਐਵਰੀ ਵੀਕ ਇੱਕ ਫਿਲਮ ਨੂੰ ਚੱਲਣ ਦਿਓ,
गिव इट अ रन टाइम, फिर दूजी ड्रॉप करो। एक इन्नी को होड़ लगी हुई है कि सिटनी सिटनी है हर फ्राइडे एक फिल्म। सो मैनू ऐ लगदा कि उस टाइम ते काफी लोगों ने सोच समझ के डिसीजन ले सके कि क्योंकि इन्ना बैकलॉग सीगा, सब ने एक दूजे वाल देख के ही डेट्स डिसाइड कीती सी कि अच्छा हुण आपां कर लेने, हुण जाके आई थिंक बैकलॉग फिल्मां दा निकलिया खत्म। सो इस तो बाद मोस्टली लोग डिस्कस करदे आ कि आपां कदों करिए, कोई भी एक दूजे दे नाल फस के नहीं आउंदा, बट फिल्मां टच वुड मतलब इंडस्ट्री च फिल्मां बन भी इन्नियां रही हैं कि होर कोई चारा भी है नहीं गा, मतलब कितने एक दूजे नाल फसण नालों बेटर है कि चलो तुसी एक हफ्ते का गैप ले लो या दो हफ्ते का गैप ले लो। बट फिल्मां ये अच्छी गल है टच वुड, क्योंकि मैं तो चाहना कि लोग कल नू ये सिचुएशन होवे कि लोगों को सिर्फ पंजाबी फिल्मों की चॉइस हो, यार वो भी देखनी है, वो भी देखनी है, वो भी देखनी है। बट हुण तो मैं ये कहना कि कॉम्पिटिशन थोड़ा एवरी फ्राइडे थोड़ा जे बाय चांस एक पंजाबी नवे फिल्म मेकर दी फिल्म आ रही है तो उधरों स्टीवन स्पीलबर्ग दी फिल्म आ रही है तो थोड़ा तो यू आर कंपीटिंग, मतलब ये नहीं है कि थोड़ा कंपटीशन नहीं है, थोड़ा सीधा कंपटीशन है। क्योंकि एक बंदा जो लुधियाने बैठा या जलंधर बैठा ओदे कोल 300 रुपया तो वो सोचूगा हाँ मैं स्पीलबर्ग नू दवा या मैं थोनू दवा। सो ये कॉम्पिटिशन सच्ची वधन वाला है आने वाले टाइम च। सो इट्स बेटर के वो पंजाब विद इन पंजाब ही होवे कि एटलीस्ट इंडस्ट्री का पैसा अपने कोल तो आवे। कई बार ऐसा होता है मुंडे कुड़ियां लोकी आंदे और कहंदे यार स्पीलबर्ग नु ही दे देने हैं, कुछ तो आऊगा। इतने तो असं सेम एक्टर सेम कैरेक्टर आर्टिस्ट सेम गाने सुनते हैं, कुछ तो नवा आऊगा। ये भी तो गल हैगी है। ये है तो मैं ताही कह रहा हूं कि हुण अपना वो कंपटीशन है और लोग ना हौली हौली रियलाइज करेंगे कि ये सच्ची कंपटीशन है। इट्स नॉट कि आप कहता कि वो हॉलीवुड है तो आप जी तो जी छोटे से ओपन जी करते हैं, बट ये नहीं रहा हुण, सच्ची नहीं रहा हुण। तुसी सच्ची जे थोड़ी सेम डे किसी बड़े फिल्म मेकर की फिल्म रिलीज हो रही है तो थोड़ी हो रही है तुसी सीधा डायरेक्ट कॉम्पिटिशन चो, बिल्कुल तो हुण ये लोग सच्ची सोच के बनाएंगे। पहला तो सीगा ना कि अपने लोग नहीं देखते दे इंग्लिश फिल्मा या अपने लोग नहीं देख, तो साउथ नाल भी कंपटीशन है इंग्लिश फिल्मा ना, हुण लैंग्वेज बैरियर रहा ही नहीं। सो इदा ही होता है, वो कोटरी बन जाती है, वो थोड़ी कोटरी बन गई। इदा ही असं बाकियां नूं कहंदे कि आई विल टॉक अबाउट गिप्पी, क्योंकि गिप्पी दा अपना एक कंफर्ट फैक्टर उहनां दी कोटरी बन चुकी है। एनी दा अपना कंफर्ट फैक्टर है, उथे कोटरी बन गई। सारे जी इदा करन लग जाणगे ते आई सी सो मेनी डिफरेंट डिफरेंट कोटरीज, आई सी सर्कल्स। अमैलगमेशन कदों होएगा फिर, इकट्ठा कदों? तुसी मतलब आई नो ऑफ डायरेक्टर्स जिहड़े कहंदे हैं कि असीं सिर्फ गिप्पी ना करांगे। कोई अमरिंदर दान नाल काम नहीं करना चाहुंदा, अमरिंदर गिल ना, कोई फलाने नाल नहीं करना चाहुंदा। फिर ये किद्दा मिक्सअप होएगा? रलिया मिलिया एक जिहड़ी दाल भात हुंदी है, कदों बनूगी फिर? ओके मैं आई एम पुटिंग इट आउट इन यूनिवर्स कि मैं सब नाल काम करना चाहना। थैंक इट्स ऑलवेज अ प्लेजर टॉकिंग टू यू, एंड बहुत अपना समा थैंक देने लिए भी बहुत बहुत शुक्रिया, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रोजेक्ट। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड यू टू इट। थैंक यू। मैं थोड़ा जे फिल्म बारे माड़ा जे हाँ माड़ी जी दसो प्रमोशन दसो, मैं वो एंड से तुसी दस दो। मैनू मैं काफी लोग कहते हैं लव स्टोरीज भी आई जाती हैं पंजाब यस इट इज अ लव स्टोरी, यस इट यस इज पॉपकॉर्न एंटरटेनमेंट, बट यस मैं आपके वालों थोड़ियां उन्होंने लेयर्स देने की कोशिश की थी चीजा। पहली पंजाब की ट्रैवल फिल्म है, पंजाब च ट्रैवल फिल्म नहीं आई तो काफी औखी सी शूट करनी साढ़े लिए, तो मैं चाहता सी कि पंजाब विच एक इहो जी फिल्म बने जिहड़ी बहुत सोहणी लोकेशन ते शूट होवे जिथे एक्टर्स बहुत सोहणे लग रहे हो, कपड़े बहुत सोहणे होण। ये मेरा कॉलेज टाइम दी फैंटेसी सी एक ट्रैवल फिल्म बनानी, ते मैं वो अचीव किया। बट ए थोनू थोड़े जे रेफरेंसेस हीर रांझा एंड रोमियो जूलियट एंड चीजा मिलनगियां, सो ट्राई टू पिक एंड टेक होम जो थोड़ा दिल करे लेके जाण तो। बट मैनू ऐ लगदा दिस फिल्म हैज अ ह्यूज हार्ट ते होप वो कनेक्ट करे लोगों के नाल।